सबसे पहले हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग नंबर वन इज द एक्सटेंडेड डिसीजन मेकिंग सेकेंड इज द लिमिटेड डिसीजन मेकिंग एंड थर्ड इज द रूटीन डिसीजन मेकिंग सो दिस वॉज नंबर वन नंबर टू एंड नंबर थ्री अगर आप इवेल्युएट करें तीनों को बहुत क्विकली सो so इन सब का एसोसिएशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू रिस्क एंड टाइम हमने इवेल्यूएट करना है अगर हम बात करते हैं एक्सटेंडेड डिसीजन मेकिंग की तो कोर्स स्टैंडर्ड डिसीजन मेकिंग के अंदर कस्टमर जो है वो द लेवल ऑफ रिस्क इज़ हाई द लेवल ऑफ टाइम बिकॉज टाइम कंजम्पशन ज़्यादा है क्योंकि कस्टमर जो है वो डिसीजन मेकिंग के तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए जाता है लिमिटेड के केस के अंदर जब हम लिमिटेड डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं सो लिमिटेड डिसीजन मेकिंग के अंदर कस्टमर जो है वो तमाम स्टेप्स ऑफ कस्टमर डिसीजन मेकिंग तो फॉलो करता है लेकिन कंपैरेटिवली वो कम टाइम इस्तेमाल करता है डिसीजन मेकिंग के अंदर इसी तरीके से थर्ड विच इज़ दी रूटीन डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करते हैं तो रूटीन डिसीजन मेकिंग के अंदर कस्टमर जो कस्टमर डिसीजन का प्रोसेस है उसके तमाम स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहा होता रादर के वो जाता है और वो प्रोडक्ट्स को बाय कर लेता है तो मोस्ट टाइम एफिशेंट जो नॉर्मली डिसीजन प्रोसेस है वो रूटीन डिसीजन प्रोसेस है और जो मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट कंज्यूमिंग जो डिसीजन का टाइप है दैट इज़ एक्सटेंडेड डिसीजन मेकिंग तो हम इन तीनों ऑप्शंस को इन तीनों टाइप्स को क्विकली वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले हमारे पास जिस तरीके से मैंने बताया यह है एक्सटेंडेड डिसीजन मेकिंग एक्सटेंडेड डिसीजन मेकिंग क्या है द कस्टमर एक्चुअली मेक यूज ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग स्टेप्स वाइल पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस इसके एग्जाम्पल अगर मैं डिस्कस कर लूँ आपके साथ तो जिस तरीके से अभी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एग्जाम्पल डिस्कस की फ्रॉम दी गर्मी फ्रॉम दी हीट टिल दी बाइंग वाटर एंड दैन वो तमाम प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस सो नॉर्मली जो एक्सटेंडिड डिसीजन मेकिंग है इसमें कस्टमर तमाम स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग को कस्टमर डिसीजन मेकिंग को यूज़ करता है विच मीनस स्टेमुलस से उससे लेकर टिल दी इवेल्यूएशन ऑफ आल्टरनेटिव एंड दर्चेज एंड दोस्ट परचेज बिहेवियर सो तमाम स्टेप्स जो कि सिक्स स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं है, वो तमाम सिक्स स्टेप्स को कस्टमर फॉलो करता है नॉर्मली एक्सटेंडेड डिसीजन मेकिंग जिस तरह मैंने अभी क्विकली बताया कि या ये नॉर्मली नज़र भी आ रहा है कि बिकॉज कस्टमर तमाम स्टेज़ को फॉलो करेगा सो टाइम कंजम्पशन भी इसमें ज़्यादा है और नॉर्मली उस तरह की चीज़ों के ऊपर की जाती है इन जनरल कि जहाँ पर कस्टमर के पास टाइम भी होता है मौजूद और वो रूटीन में चीज़ें बाय नहीं कर रहा होता दूसरी तरह की टाइप हमारे पास है लिमिटेड डिसीजन मेकिंग की लिमिटेड डिसीजन मेकिंग के अंदर कस्टमर जो है वो नॉर्मली जो कस्टमर डिसीजन प्रोसेस के तमाम स्टेप्स को तो फॉलो करता है इन जनरल बट लेकिन वो करता ये है कि वो ही स्पेंड्स लेस टाइम एज कम्पेयर टू दी एक्सटेंडेड डिसीजन मेकिंग लेस टाइम स्पेंड करता है एट ईच स्टेप फॉर एग्जाम्पल स्टेज नंबर वन स्टेमुलस से लेकर टिल द प्रॉब्लम अवेयरनेस तक ही विल गो क्विक एंड अगेन इसी तरीके से टू द इंफॉर्मेशन सर्च एंड देन टू दैल्यूएशन ऑफ ऑल्टनेटिव एंड देन फ्रॉम ऑफ दैल्यूशन टू दी दर्चेज और परचेज से टू दी पोस्ट परचेज बिहेवियर के ऊपर क्विकली ही विल जम्प टू ऑल दी स्टेप्स बट इस तरह के केस के अंदर नॉर्मली अगर आप इवेल्यूट करेंगे तो वह तमाम स्टेज को तमाम स्टेप्स को ऑफ डिसीजन मेकिंग को फॉलो करता है तीसरी केस तीसरा टाइप ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग हमारे पास रूटीन डिसीजन मेकिंग कहलाती है यह नॉर्मली रूटीन आइटम्स के हवाले से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग यू आर गो देर एंड अ ब्रेड और एग्स रूटीन बेसिस के ऊपर आपका कोई क्विक डिसीजन है जो कि आप डेली बेसिस की प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे होते हैं नॉर्मली रूटीन डिसीजन मेकिंग वहाँ पे इस्तेमाल होती है इस तरह के केस के अंदर आप नॉर्मली पूरा वो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस सिक्स स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं यू you नो know कि मुझे क्या बाय करना है मेरी क्या नीड है इमिजिएटली आप जाते हैं बाय करते हैं उस प्रोडक्ट को एंड देन उसकी पोस्ट परचेज बिहेवियर में आप दोबारा आ जाते हैं विच मीन्स आपको दोबारा अगले दिन वही ब्रेड वही एग की ज़रूरत दोबारा से पड़ेगी सो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जब हम रूटीन डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं ये वो छोटी प्रोडक्ट्स हैं ये रूटीन की प्रोडक्ट्स हैं जो कि नॉर्मली कस्टमर जो है वो बाय करता है टाइम के हवाले से मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डिसीजन मेकिंग है लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि अगर हम ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के जब हम बात करते हैं सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कस्टमर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि उसको देखना है कि वो ये प्रोडक्ट बेसिक कमोडिटीज़ घर की रूटीन के आइटम्स के लिए ले रहा है और आइदर ही इज गोइंग टू बाय अ कंप्लीट लट्स से ड्यूरेबल प्रोडक्ट से फर्नीचर फॉर इज़ हाउस और एलसीडी एलईडी फॉर इज़ हाउस और मे बी ए फॉर इज़ हाउस सो अगेन ये डिसीजन प्रोडक्ट डिसीजन जो है वो कोर्स कस्टमर डिसीजन मेकिंग के टाइप को इन्फ्लुएंस करेगा क्या ये रूटीन की बाइंग है मेरी या ये मेरी जो है वो एक्सटेंडेड डिसीजन मेकिंग मुझे चाहिए इस इस प्रोडक्ट को बाई करने के लिए सो नॉर्मली प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी कस्टमर डिसीजन चेंज हो जाता है आपने हमेशा इस बात को जहन में रखना है कि जब कस्टमर कोई भी डिसीजन मेकिंग लेगा सो so उसके पास ऑप्शन में वो सिक्स स्टेप्स हैं स्टार्टिंग फ्राम द स्टिमुलस गोज अप टिल द पोस्ट परचेज बिहेवियर वो पूरे प्रोसेस को वो फॉलो करता है अब कितना क्विकली करता है ये डिपेंड करता है कि वो किस प्रोडक्ट या सर्विस को अवेल करने के लिए जा रहा है